नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने देखा होगा कि प्राइम टाइम में लगातार हमने स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एसएससी और बैंक इन परीक्षाओं के हालात पर हमने कार्यक्रम किए हैं। इस देश में 60% आबादी 35 साल तक के युवाओं की बताई जाती है और बार बार उनकी गिनती होती है, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है। ये इलाहाबाद है और रेलवे लाइन के किनारे छात्र रहते हैं। तो ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, गोरखपुर लोकमान्य तिलक काशी एक्सप्रेस इसको कहते हैं। और इस रेलवे लाइन के उस तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ वो आलापुर इलाका है, जहाँ पर छात्र जीवन देखने को मिलता है, जहाँ पूर्वांचल के छात्र आकर लॉज में रहते हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी में, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक या फिर सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बलों की परीक्षा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, संयुक्त रक्षा सेवा की जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी करते हैं। कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से करता है। पर आइए हम जरा सा देखते हैं कि छात्र जीवन होता कैसा है, तो उसका एक अंदाज़ा लेने के लिए कि ये एक बात तय है कि हमारे साधारण घरों के छात्र मेहनत बहुत करते हैं। उनके लिए अवसर भले कम हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और एक लोटा पानी भी लेकर बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास। प्यास लग रही होगी, है ना? प्यास तो लगेगी, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है इलाहाबाद में, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस गर्मी। तो ये कितने घंटे की तैयारी कर रहे हैं जो पूरा पानी लेकर बैठे हैं? सर जमना भी कुर्सी पे 1 घंटे से सर तैयारी कर रहे हैं। अभी 2-3 घंटे तो बैठेंगे, 2-3 घंटे बैठेंगे। एक सीटिंग में आप 3-4 घंटा बैठ लेते हैं, है ना? और आप कहाँ से हैं? सर गोंडा के। और आपका नाम? अंकुर तिवारी। तो अंकुर, बताइए कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में गया था? जी नहीं सर, कोई नहीं गया। तो आप पहली बार, मतलब 12वीं करने के बाद या 12वीं करने के बाद, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया? अभी नहीं सर, वहाँ से करेंगे, मस्कना जहाँ रहते हैं। हाँ, वहाँ से करेंगे तैयारी, यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो यहाँ कितने साल से? अभी सर फर्स्ट ईयर, पहली बार आए हैं। आपका नाम भूल गया मैं। आशीष कुमार यादव। आशीष, आपके परिवार में किसी ने सरकारी नौकरी? जी सर, पापा वन विभाग में। जी सर। तो आपका भी 5,000 रुपया, ये क्या आसानी से मिल जाता होगा? नहीं सर, बहुत मतलब कठिनाई से मिलता है। अच्छा जी, क्योंकि घर पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यस सर। तो आप लोग एक ही साथ आए हैं? जी सर, है ना? जी। तो अगर साथ नहीं रहते 10,000 रुपया तो इतना नहीं कर पाते, कमरा जी इकट्ठे नहीं दे पाते अगर अकेले हो। आप भी वही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, एसएससी। ये तो बहुत सुंदर बात है। जी सर, हम तो सोचते थे यूपी में पढ़ते हैं कि जब चुनावी के बारे में कि यादव जी अलग हैं, तिवारी जी अलग हैं, लेकिन यहाँ तो रूम शेयर कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे मित्रता में सब चलता है, मित्रता में तो यही चलना ही चाहिए। यस सर, जी जी। जात तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप लोग बैठ के कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं सर, हम लोग से पढ़ने से मतलब। एक झलक है, देखिए कि कई बार होता है कि क्या हुआ है कि टेलीविज़न स्क्रीन ने एक तरह का स्टूडियो का सेट आपको दिखाया है और रोज़ आप अलग अलग कार्यक्रमों में वही स्टूडियो का सेट आप देखते हैं, लेकिन देश की हकीकत आपको नहीं दिखती है। बात करने वाले लोग ज़रूर हैं जो देश की हकीकत के बारे में बात करने का दावा करते हैं, पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमारा युवा जो है, और यही हालात में पीढ़ियों से लोग तैयारी करते रहे हैं, कामयाब भी होते रहे, नहीं भी कामयाब होते रहे, पर ये एक अच्छी बात है कि लेकिन कितना संघर्ष है कि 5,000-5,000 रुपया आजकल पढ़ाई का खर्चा हो गया है। आ जाएं कैमरे के साथ, आ जाएं। हाँ नहीं, ब्रश हम लोग भी करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप कूलर लगवा दिया गया आपके यहाँ गर्मी में, हैं उन लोगों के कमरे। आप कहाँ से हैं? जी चंदौली से। चंदौली। और आप? मिर्जापुर से। यस सर। यहाँ आने से पहले आप लोग एक दूसरे को जानते थे? यस सर, हम लोग बनारस में रहते थे। हाँ। तो बनारस से यहाँ क्यों आए? वहाँ तैयारी करने का नहीं है? नहीं, तो जैसे वहाँ पे तैयारी करने का था, लेकिन फिर यहाँ पे 2-4 फ्रेंड थे हमारे गाँव के, इसलिए चले आए यहाँ। अच्छा, गाँव के साथ आए? हाँ। लेकिन खर्चा आपका वही उतना ही हो रहा था? नहीं, बनारस तो थोड़ा यहाँ पे अधिक है। यहाँ अधिक है? हाँ, बनारस में थोड़ा सा हर एक चीज़ सस्ती थी। गजब पढ़ते हैं लोग। ये भाई तो तुम लोटा ही लेके जम गए 4 घंटा पढ़ने के। बैठिए बैठिए। तो ये आप लोगों के बीच कंपटीशन यही होता है क्या, उस कमरे में कौन कितना घंटा पढ़ रहा है? हाँ सर, थोड़ा देखने के बाद अपने को अंदर से होता है कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो निकलेगा एग्जाम। तो आप किस चीज़ की परीक्षा की? 69,000 शिक्षक भर्ती का जो 69,000 शिक्षक भर्ती उसकी परीक्षा दी है जी सर, तो उसमें हो गया है वो रिजल्ट नहीं, अभी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में कब से चल रहा है सर? ये जनवरी में लोग एग्जाम दिए थे। हाँ, तो सर ने फिर कटाप उसके बाद लगाया 7 तारीख को। हाँ, तब से सर लड़कों ने आवेदन वहाँ पे केस किए थे हम लोग, तो हाँ। सरकार का आदेश आया कि 40-45% पे रिजल्ट जारी करिए। हाँ, सर रिजल्ट आया नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जी सर। अच्छा, तो सरकार का क्या कहना है? सरकार तो कह रही कैसा सर, कुछ उसके बारे में स्पष्ट जवाब नहीं। तो बहुत प्रदर्शन वगैरह होता रहता है शिक्षकों का, और पहले की भी वैकेंसी का भी सीबीआई का आदेश आया कोर्ट। तो क्या करना चाहिए? तो सरकारी परीक्षाएं हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हर परीक्षा का मुझ तक मैसेज आता है कि हो गई है परीक्षा, कोर्ट में लटका हुआ है मामला, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये यहीं की बात नहीं है, हर प्रदेश में जी सर। जैसे आप परेशान हैं, वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग परीक्षाओं में परेशान हैं। हो सकता है कि किसी परीक्षा में हो जाता है। क्या करना चाहिए आपको सर? क्या आप लोग, मान लीजिए हम लोग एग्जाम भी देने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर पता चलता है कहीं यहाँ पेपर आउट हुआ है, कहीं वहाँ आउट हुआ है। ऐसी चीज़ भी सर सुनने का आती है सर। मान लीजिए जब हम लोग तैयारी क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। कोई वैकेंसी आ भी रही है, एग्जाम हो रहा है, तो या तो रिजल्ट आने से पहले या तो रिजल्ट के बाद कोर्ट में चले जा रहे हैं। आज लगभग अभी 59,500 वैकेंसी आपकी हुई थी सर साल भर पहले, तो उसमें सर उसका भी कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया सर, उसको भी सीबीआई जाँच की जाए। तो ये कोई ऐसी परीक्षा आपके अनुभव में है जो बिना सीबीआई जांच और खुद के सुनने में है सर? क्या है सर, यूपीएससी जो कराती है एग्ज़ाम, शायद वो सीबीआई के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम होता है सर, शेड्यूल जो बनाती है वो टाइम से होता है और उसका फिक्स होता है टाइम सर, कितने टाइम पे एग्ज़ाम होगा। बच्चा प्रिपेयर्ड होता है और उसे टाइम एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद अपना मेंटली प्रिपेयर्ड होता है सर। ये कन्फ्यूज़न नहीं होता कि एग्ज़ाम टलेगा। अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था सर, उसका अभी टाइम आते आते मतलब रिज़ल्ट आया, फिर रिज़ल्ट फिर से वो कैंसिल हो गया, फिर से रिज़ल्ट आया। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ क्या मैं। एक रिज़ल्ट दिया वो भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रोसेस अलग अलग। तो बच्चा मेहनत करता है सर और टाइमली रिज़ल्ट नहीं आता, उसका आउट इनपुट देता है, आउटकम अच्छा नहीं आता, तो हताशा बढ़ती है जी। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो कमज़ोर है या उसकी अपनी गलती है कि इस वजह से नहीं हो रहा है जी जी। अगर एक जो परीक्षा आपको लगता है कि कोई भी परीक्षा हो वो 2 महीने 3 महीने के भीतर पूरी हो जानी जी जी, प्रोसेस उसका कंप्लीट होना चाहिए, तो अगला बच्चा जो होगा उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी कमियाँ पता चलेगी सर, मैंने यहाँ कमी की और मुझ पर और मेहनत करनी चाहिए। अगला एग्ज़ाम मेरा अगले मंथ में है, अगले मंथ में है, जो भी उसको टाइम टेबल पता होगा उसके अनुसार मेहनत करेगा सर। एग्ज़ाम दिया, पता चला रिजल्ट आया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर कैंसिल हुआ। तो हम पूछ रहे हैं सर, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। आ जाइए भाई, जिसको भी आना है कमरे। लेकिन एक बात है कि ये सब जो होता है, तो एक तो है परेशानी और इसका आर्थिक बोझ भी है ना, कि आपका एक साल और घर वाले भी परेशान होते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्या हो मतलब रिजल्ट नहीं आया, बच्चा घर वाले से प्रेशर आने के बाद उब जाता है, फिर एग्ज़ाम मतलब अपना ये तैयारी छोड़ कर कुछ अगला काम करना चालू कर देता है, डिमोटिवेट होता है सर। मेंटली प्रेशर भी बना रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें फिर, क्योंकि कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, ज़्यादा टाइम लेते हैं, 2 महीने 3 महीने क्लियर कर देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों को भी मेंटली प्रेशर बढ़ता है, फिर वो तैयारी करते हैं दोबारा से। मैं तो बिहार की एक कहानी बताता हूँ। 2014 में बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट अभी आया है। वही सर मैं तो हैरान रह गया कि भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, मतलब जिसका हो गया है या हो सकता है उसकी जिंदगी के 4 साल निकल गए, मतलब ऐसे 3 साल निकल गए बर्बाद होने के। यही सर टाइम मैनेजमेंट और ये जो होता है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं रहता है। आप लोग सब अलग अलग जगहों से, तो बात तो करने की फुर्सत होती नहीं सर, सब लोग अपना बिजी होते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, खाना बनाते हो, तो खाने का बताओ क्या है सर? खाने में जो मतलब नहीं, मैं मेन्यू नहीं पूछ रहा हूँ है ना, उसमें समय लगता होगा, वो महंगा हो जाता होगा। यस सर, 2 घंटे लग जाते हैं सर सुबह में, या 2 घंटे शाम को, 4 घंटे इन्वेस्ट हो जाते हैं सर। बट उसको मेंटेन करके चलना है, इसी पे डिपेंड बनाना ही पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते। यस सर, एक बात मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या, ये सब इसका खरीदने का भी अलग कॉस्ट है या आपस में बांट लेते हैं? नहीं सर, अलग अलग, सब लोग अलग अलग चीज़ के। भाई मेडिकल का तैयारी करता है और सीडीएस की तैयारी करता है, सिलेबस अलग है, तो किताबें सबकी अलग है। किताबें सबकी अलग है। आप लोग जहाँ से भी पढ़े होंगे, ज़्यादातर लोग इसमें प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ गए हुए लोग, या सरकारी से सर, और या कॉलेज। अभी तो कॉलेज किया नहीं ना आपने? मैंने कॉलेज कर लिया सर, बीएससी कर लिया है। क्या पढ़ाई होती थी? पढ़ाई होती थी सर, बोलो बोलो। अटैच्ड कॉलेज था सर, और तो पढ़ाई नहीं होती थी। सर क्या सर एमएससी किए थे, मतलब सेटिस्फाई आंसर नहीं देते थे? हाँ, जो क्वेश्चन हम लोग के मन में चलता था वो क्वेश्चन पे हम लोग टीचर से पूछते तो टीचर टाल देता था, या तो आंसर होता था तो दे देता था, नहीं तो बोलता था ठीक है तुम लोग पढ़ लेना या कहीं से और देख लेना, अपने से सेल्फ स्टडी करना पड़ता था। ग्रेजुएशन हमने किया सर, टीचर उस तरह का मतलब योग्य नहीं था और वो इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाने। या सर क्वालिफिकेशन तो था बट इंटरेस्टेड, नॉलेज नहीं था तो इंटरेस्टेड कहाँ से होगा? जो भी है सर नॉलेज है। तभी मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी सीरीज कर रहा था देख रहा था कि जितने भी कस्बों के कॉलेज हैं, जिलों के कॉलेज हैं, उनमें शिक्षक नहीं है, है ना? जी जी। तो बहुत दुख हुआ कि हर आप हो सकता था कि अच्छे शिक्षक के संपर्क में रहने से आप बेहतर कर सकते थे। yes, मैं भी बहुत कमजोर विद्यार्थी था, लेकिन अच्छे शिक्षक के संपर्क में आने से बहुत बदलाव आया है ना। तो ये तो सबको मिलना चाहिए फिर। yes, है ना? बाई चांस किसी को, मुझे क्यों मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए टीचर अगर ऐसा है। yes, तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़ाने का क्लास में क्या कल्चर था जो आप लोगों ने देखा? कभी ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होती, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सर वहाँ पे जो हम लोग देखे सर, जैसे हम लोगों ने बुक पढ़ा सर, स्टेटमेंट बुक का उन्होंने लिखवा दिया और थ्योरी लिखवा दिया उसने, मतलब डेरिवेशन करा दिया, बट यूज क्या सर? हम लोग उससे क्वेश्चन पूछते थे जैसे सर न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन, उसका यूज पता है सर लाइफ में। यदि हम और कुछ थ्योरी पढ़ते हैं सर, उससे हम पूछते कि इसका यूज क्या है सर? पढ़ तो रहे, इसको पढ़ भी लिया। बिल्कुल, आप मेरे जैसे स्टूडेंट, मैं हमेशा पूछता था मार्क्स साहब कैलकुलस पढ़ा रहे हो, बताओ इससे होता क्या? हवाई जहाज उड़ता है कि लोटा बनता है कि ग्लास बनता है, पहले ये तो बताओ, फिर भाई साइन थीटा कॉस थीटा करते रहेंगे। ये समझ में नहीं आता था कि क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या करें, क्या करें। उसका सर प्रैक्टिकल नॉलेज पता होगा तो हम इंटरेस्ट जगाएंगे कि यार ऐसा चीज है। जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थ्योरी पढ़ लेना है, तो फिर सर वो इन्फॉर्मेशन ही। क्या आप लोगों ने ये महसूस किया कि आप लोग साधारण घरों से आने वाले हैं, गाँव के आने वाले हैं, तो टीचर उतना रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ है अपना कुछ कर लेंगे अपना, इसमें आए हैं। जिस तरह से अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए तो कुछ कॉलेज हैं यहाँ टीचर बहुत दिलचस्पी लेकर पढ़ाते हैं। yes, sir. तो उसमें एक ये भी होगा कि ये इस तरह के सक्षम घरों से आते हैं, कल को हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। yes, बात आ जाएगी कि आप टीचर नहीं पढ़ाते, तुम दबाव रहता है। yes, sir. yes, sir. बैकग्राउंड की वजह से जो भी है सर पता तो नहीं, बट टीचर तो टीचर होता है सर। टीचर से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा नॉलेज देंगे और उनपे हमारा पूरा विश्वास होता है कि जो भी देंगे सेटिस्फाई होगा और वो जो भी बताएंगे सही। उसी कॉलेज के दौरान अच्छा शिक्षक मिला होता तो सर आप कुछ और होते। नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, बट मतलब अपना पर्सनालिटी और अपना आईक्यू लेवल और अलग होता ना। यस सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट था? इनका तो पता चल गया सीजीएल, एसएससी सीजीएल की तैयारी। अब इतना प्रिपरेशन करने के बाद लास्ट में इतना हताहत होते हैं सर, तैयारी कर रहे हैं, एज निकल रही है सर। मेरे ख्याल से जो भी सर फॉर्म की प्रक्रिया है या प्री मेंस टीयर थर्ड वगैरह जो भी है उसकी प्रक्रिया है, जो फॉर्म है, तो इनकी मैक्सिमम पूरी प्रक्रिया 2 साल में हो जानी चाहिए। 2 साल भी बहुत है सर। नहीं सर जैसे सर इन्होंने 2 साल में आप 18 साल की उम्र में परीक्षा दो और पता चला 20 साल हो गए। मान लीजिए इतना प्रेशराइज सर दिमाग में पड़ रहा है कि एज निकल रही है और सिलेक्शन मिल नहीं रहा है सर। जो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जो कोर्ट में ना जाए सर, चाहे वो यूपी राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो सर। जब से ये सीजीएल का मतलब एग्जाम और ये हर राज्य में है, जी बंगाल में, जी बिहार में, मध्य प्रदेश में, कोई ठीक ही नहीं करना चाहता सर। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कह रखा है सरकारों से कि तुम ये वाला सिस्टम मत ठीक करना, हम बर्बाद होते रहेंगे। 2017 का देने के बाद उसमें फिर से मतलब अच्छे से तैयारी करने के लिए 2018 के लिए तैयार हो गए, लेकिन 2018 में सर कोई मतलब एग्जाम नहीं हुआ, फॉर्म पड़ा हुआ पूरा 2018 में। फॉर्म भरा आपने? हाँ? जी, जी। मतलब एसएससी का कोई एग्जाम 2018 में नहीं हुआ, 10+2 स्टेनो जो भी है। और आमतौर पे कितने इम्तिहान हो जाते थे? आप लोगों को तो सब रटा होगा कि इसमें। जी सर एवरेज मतलब। जी सर मेरा जो एसएससी का था, एसएससी स्टेनो था सर और 10+2 था, सीजीएल था, ये सर 3 एग्जाम। और ये मान लीजिए अब तो 2019 आ गया, तो एक तरह से 2019 की परीक्षा होनी चाहिए। 2018 की परीक्षा नहीं हुई, होती तो भी उसमें 2 साल लगता। 2 साल लगता। अब अगर 2018 की परीक्षा मान लीजिए 2019 में होती है तो वो जाके 2021 में पता चलेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं, योग्य हैं या नहीं। और तब तक आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? तब तक सर इसमें मेरी 26 हो चुकी है सर। और आप बाहर हो जाएंगे? और मैं बाहर हो जाऊंगा। और किस उम्र तक आप एसएससी दे सकते हैं? सर 28 तक दे सकते हैं। हाँ सर एक चीज़ें कह रहे थे, देखिए सर चुनाव का माहौल चल रहा है सर, लेकिन कभी भी किसी नेता के मुँह से ये चीज़ सुनने को नहीं मिला, कोई भी नेता रोजगार के विषय में कभी कोई कहीं भाषण या कोई सभा की कहीं कोई बात नहीं की है सर। आप भी थोड़ा सा देखें, कहीं सुनने में कभी नहीं आया होगा। नहीं, हमने मीडिया में पढ़ा कि जिसमें लोगों ने कहा कि हम बेरोजगारी सह लेंगे, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, कम से कम उसको सोचना तो चाहिए। पिछली बार हर सरकार चुनाव आती है तो हम रोजगार छात्रों के विषय में, बालकों के विषय में सब कहते हैं ना कि हम रोजगार देंगे, नहीं देते हैं जी, कहते हैं। सर बताइए आप, इस बार किसी भी नेता के मुंह से सुनने की चीज नहीं मिली कि हम रोजगार के विषय में कोई चर्चा किया। ये बात आपको हर्ट करती है जी सर? तकलीफ होती है सर, हमें नहीं, हर स्टूडेंट को। आप लोग में से की कौन था जो दिल्ली से आने वाले पत्रकारों को बता रहा था कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? तो बेरोजगारी तो सिर्फ उसी बेरोजगारी का मुद्दा तो ये परीक्षा व्यवस्था से भी तो है सर। माने 2-2 साल 3-3 साल में जा रहा है तो यहाँ कोई यार है कहाँ चले सर? 2 साल हर परिवार की आर्थिक स्थिति सेम होती नहीं, कोई 2 साल के लिए किसी तरह अपने बच्चों को भेज रहा है, पैसा इन्वेस्ट करके। मतलब सिचुएशन में लड़के रह रहे हैं सर यहाँ। मतलब सर मेरे पिताजी तो ऑटो ड्राइवर है, कैसे करके हम 2 भाइयों को भेजते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर, मतलब 4000 होता है, उसमें भाड़ा देना है, फिर अपने को देखना है, यही टारगेट है कि करना है, कुछ अच्छा करना है। माँ बाप मतलब हेल्प कर रहे हैं। 4000 भेजते हैं जी सर? 4000 पूरी फैमिली 4000 में 2 भाई? यस सर, ऑटो चलाते हैं सर मुंबई में और उसी से चलना है सर। तो सर यही है कि सर देश के लिए कुछ करना है, यहाँ पे आए हैं तो अपने लिए भी कुछ करना है। मतलब रूम रेंट है 4000 है तो 3 पार्टनर रखे हैं सर, लेते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो कि सबकी अलग अलग परीक्षा है, इनकी हो गया, नया पार्टनर नहीं मिला तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ सर, प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है पार्टनर को लेके जाने। तो तुम उस हिसाब से तो तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते होंगे। तो फिर सर अभी पार्टनर एक था सर, वो कोटा चला गया तो एक पार्टनर तुरंत मैंने रख लिया। हाँ। फिर उससे क्या होगा, मेंटेन कर लूँगा, या तो फिर सर पापा को बोलूँगा, उन पर थोड़ा प्रेशर बनेगा। कहीं भी आप रूम खोजने जाइए तो सर सिंगल 8x8 या 9x9 का एक रूम होगा, पूरे इलाहाबाद की सर है। इस लॉज में तो अदर लॉज की पैसा फिर भी फैसिलिटी अच्छी है सर, बहुत अच्छा। दूसरे लॉज में सर 9x9 का रूम होगा, रेंट रूम 4500। वो भी मैं देखना चाहता हूँ, ये 9x9 वाला किधर है? जी सर, यही सर आप जो है सामने देख लीजिए सर, 4000 किराया है इसका। तो आपके परिवार में लोग क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, पापा हैं नॉर्मल सर, ड्राइवरी करते थे। हाँ। और इस समय घर में है तो फिर कैसे पैसा भेज पाते हैं? पैसा सर मार्केट में कुछ दुकान है। हाँ। और भैया यूपीपी में हो गए थे तो भैया बेचते हैं, जो मार्केट में दुकान, उनका रेंट आता है तो उससे मतलब घर का खर्चा चलता है। मतलब आप भी जो आता है उससे ज़्यादा नहीं लिबर्टी नहीं ले सकते कि जाके सिनेमा देख लिए? नहीं सर, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं। और सर मार्केट में भी बाई चांस की बात अलग है कि कुछ फुल्की पी लिया या कुछ खा लिया, लेकिन अगर पर डे कोई चाहे कि 10 रुपए का भी पर डे खा ले तो सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चीज़, हर चीज़ मतलब पूरा मेनू बना है कि इतना रुपए इसमें जाना है सर, इतना पानी में जाना, इतना खाने में जाना, इतना किराए में जाना बना है। वही बीच में भूख लग गई तो कुछ नहीं, तो सर इस हिसाब से बना लेते हैं, खा लेते हैं कि जो ऑलरेडी घर से लेके आए रहते हैं, जो हो रहता है वही यूज करते हैं। यहाँ तक पानी भी खरीदना पड़ता है सर, यहाँ पे फिल्टर पानी मतलब पानी आता है उसका भी खर्चा है। नहीं, डेली का 20 रुपये लगता है सर, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चाय भी नहीं पीते हो? नहीं सर, चाय नहीं पीते। दूध सर कहाँ से दूध कहाँ लगाएं? 52 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। 52 रुपया लीटर दूध है? वैसे भी सर यहाँ बहुत ज़्यादा ही महंगा है तो लेके पी नहीं सकते, क्योंकि सब चीज़ मैनेज करके चलना है उसी में। बट एक जुनून लेके पड़े हैं सर हम लोग। नहीं, हम देखिए वो भाई साहब तो लोटाई लेके जम गए थे, पूरा पानी लगे, 4 घंटा पढ़ना। नहीं, अच्छा है, उसमें ज़िंदगी को शिकायत का मौका मत दीजिए कि आपने तैयारी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, कीजिए। होना नहीं होना तो अलग बात है, वो तो झांक के पता चल रहा है कि कमरे में क्या डिसिप्लिन है। बाप रे बाप। हाँ, आप लोगों को वैकेंसी मिलनी चाहिए थी, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हम गणित में बड़े कमज़ोर थे तो कोई कॉम्पिटिशन दिए ही नहीं, पता था कि फेल कर जाएंगे। आप लोग भी गणित में कमज़ोर हैं, मैं पता कर रहा हूँ कि गणित ने कितने लोगों को सताया है। आप अकेले रहते हैं या पार्टनर है साथ? पार्टनर के साथ यहीं इसी जगह पे? हाँ यहीं बगल में रहते हैं। इसी में रहते हैं। तो कितना पैसा आता होगा आपका घर से? घर से 3000। 3000? 3000 में रह लेते हो? हाँ एडजस्ट करना पड़ता है। क्या एडजस्ट हो जाता है सर? रूम का किराया देना पड़ता है, बाकी राशन तो घर से ही लाते हैं। हाँ तो हो जाता है। खेती में उतना पैसा है कि नहीं? सर इतना तो नहीं है लेकिन चल जाता है। चल जाता है। तो कुछ समझ में आता है कि खेती में की समस्या को कैसे दूर की जाए? आप ही बताइए, आप किसान परिवार से रीजनिंग कर रहे हैं आप। जी सर। हाँ बोलो। यस सर, खेती से हमें कुछ समझ में आता है। हाँ। खेती से हमें प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब किसान का मूल पैसा मिलेगा। हाँ। कहने का मतलब जैसे एक समोसा वाला है, समोसा बनाता है, वो खुद रेंट तय करता है कि मेरा समोसा 5 रुपए में जाएगा। मेहनत करता है, उसके बाद वो जानता है क्या वैल्यूएशन है, कितने में खरीदा हूँ, क्या चीज़ें हैं। बट सर किसान को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। किसान अपनी वैल्यूएशन और अपनी ज़मीन की वैल्यूएशन की तुलना नहीं करता, कभी नहीं किया, ना अभी तक नहीं कर रहा है। और वो मेहनत करता है और पैदा भी करता है अनाज, लेकिन उसका मूल वेतन का निर्धारण करने वाले या मूल पैसा देने वाले दूसरे लोग हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट वो निर्धारित करती है कि आपको 1700 ₹1750 कुंटल देना ही देना है। बहुत लोग चाहता है कि सरकार ही निर्धारित करे, सरकार ही दाम। हाँ सर बहुत लोग चाहते हैं, बट सर हमारे जो हमारा मतलब पूर्वज है, जो हमारे किसान है, हमारे बैकग्राउंड जो है, वो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। बट सर जैसे एक कोई भी पेन बनाने वाला निर्धारित करता है कि 2 रुपए में पेन जाएगी, लेकिन सर हमारा किसान निर्धारित नहीं कर पाता कि हमारा चावल इस रेट, क्योंकि सर जो चावल पैदा कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, उसे पता है ना सर कैसे पैदा कर रहा है, वो कितना पानी चाहिए, कितना कष्ट होता है, रात भर जागना पड़ता है, सारी चीज़ें वो निर्धारित करता है क्योंकि वो कष्ट कर रहा है, ना कि हमारे वहाँ बैठे। ओपन मार्केट में सब चीज़ तय हो, सरकार तय करे। देखिए दो तरह की मांगे हैं कि किसान लोग कहते हैं कि सरकार हम जो लागत लगाते हैं, जैसे कि आप पानी लगाया, रात yes, लगाया, yes, ये सब लगा, yes, जमीन का वैल्यू है, सब जोड़ के आप उतना दाम दो हमको। यस सर यस। तो वो होना चाहिए या सरकार इस बिजनेस से हट जाए? और नहीं, सरकार हटे ना, लेकिन सर पॉलिसी लागू करे, पॉलिसी लागू करे उनके लिए, मतलब ये बनाए। पॉलिसी लागू करे तो उसमें किसान हो, है ना? यस सर यस। आप ये बात कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि किसानों का मूल जो मतलब पैसा है उसका एक निर्धारण होना चाहिए। जो अनाज वो पैदा कर रहा है, कुछ भी जो पैदा कर रहा है, उसका एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो कर रहा है। जैसे मैं पेन बना रहा हूँ, मैं कैसे प्रोडक्ट को तैयार कर रहा हूँ, कितना रुपया उसमें खर्च आ रहा है, कितना लॉस, कितना वो होगा, प्रॉफिट होगा, वो मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेन का निर्धारित करता हूँ कि 5 रुपये में पेन जाएगी। लेकिन हमारा किसान दिन रात मेहनत करने के बाद जब वो अनाज पैदा कर लेता है, तो उसका जो पैसा देने वाला फंड आता है वो गवर्नमेंट हमारी तय करती है। तो वो कहती है कि हम तो डबल दे रहे हैं। यस सर, या डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर, कुछ भी जो उनकी पॉलिसी है सरकार तय करती है, किसान नहीं। उससे नहीं पूछा जाता कि आपने कितना मेहनत किया, ठीक है, क्योंकि सर मेहनत तो किसान कर रहा है ना। किसान तय करे और सरकार दाम दे। यस सर, जो भी हो किसान निर्धारित करे कि मेरे मूल वेतन का, मेरे अनाज का इतना वेतन होना चाहिए, मैंने ये कष्ट किया। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी है। यस सर। तुम अफसर क्यों नहीं बनते हो, आईएएस बनो? सर इस टाइम तो मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कोमल सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर मैं प्रॉपर मिर्ज़ापुर से हूँ, और अभी 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से मिर्ज़ापुर। और सर अभी मैं जेई के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इनका वाला। यस सर। और यस सर, अभी मैं रेलवे में जॉब भी कर रही हूँ, और साथ में आगे बढ़ने के लिए मैं कंटिन्यू लगी हूँ कि मेरा कहीं सिविल सर्विसेज या फिर कहीं और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू लगी हुई हूँ। तो कोमल, आप मिर्ज़ापुर से आके यहाँ एक रेलवे की नौकरी आपने ले ली है। वो कौन सी परीक्षा वाली? सर ये आरआरबी के थ्रू हुआ था। ये अभी जो हुआ था सर? नहीं, मैं 2016 से हूँ जॉब में, और अभी 3 इयर्स हो गए। सर तो ये बीच में छुट्टी लेके आप? सर नहीं, छुट्टी नहीं ली हूँ मैं। एक्चुअली मैं यहाँ क्लास करती हूँ 8 to 10, और उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ 5 बजे तक मेरा सर ऑफिस रहता है। उसके बाद सर मैं आती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टडी करती हूँ जितना मुझे टाइम मिल पाता है, और ऑफिस में 1-2 घंटे टाइम मिलता है तो सर वहाँ भी स्टडी करती हूँ। अभी आप ये जूनियर इंजीनियर वाला जो निकला था उसमें सर, ये जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है, मतलब सैलरी तो इक्वल है दोनों की, बट जो होता है ना एक रेपुटेशन, वो उसका रेपुटेशन अच्छा है। तो सर अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि हाँ कोई रेपुटेटेड पोस्ट पे हो, तो उस पोस्ट पे जाने के बाद आप समाज के लिए क्या कर सकते हो। जिस पोस्ट पे मैं हूँ उस पोस्ट पे रह के मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, किसी भी मतलब सामाजिक सोशल वर्क नहीं कर सकती हूँ। ये दिमाग में रहता है कि कुछ करना है। जैसे नौकरी पाने के समय लोग कहते हैं, या आपको सही में मन करता है कि कुछ करेंगे? सर यस सर, मैं चाहती हूँ एक्चुअली, मैं सर हमेशा जो NGO वगैरह होते हैं, ऑर्फेंस बच्चे होते हैं, मैं मेरे फैमिली हमेशा जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं उनसे। मतलब आप इन सारी प्रक्रियाओं में हमेशा दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा हासिल करना है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर सकें। यस पर और सर मैं जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आपके आसपास के लोग हैं कैंसर से? यस सर मेरे भाई की डेथ हो गई थी कैंसर से, तो मैं चाहती हूँ कि आगे मैं उनके लिए कुछ करूँ जो कैंसर के मरीज हैं। सर मैंने देखा है कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी के लिए भी। अगर हम किसी का लाइफ सेव कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आप सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ आप ला सकते हो, बट अगर कोई पर्सन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए क्या हुआ लोकल लेवल स्तर पे अस्पताल अच्छा नहीं था, डॉक्टर अच्छा नहीं था, सर या देर से पता चला? सर देर से, लास्ट स्टेज पर पता चला। पर आप ऑलमोस्ट 16-17 घंटे आप मेहनत करें। पर आपकी बातों को सुन के मुझे लगा कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, साफ साफ बोलती हैं, आपके इरादे साफ हैं, जुनीत यादव जी। कई बार हम जीवन में नहीं बोलने के कारण अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बहुत सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, पर ये सारी चीज़ें हैं आप में, आप अच्छा करेंगे, है ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मैं बेसिकली यहीं की हूँ इलाहाबाद की, और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं एमएससी बीएड हूँ फ्रॉम केमिस्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बट जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ी, पहले तो बस यही था कि नहीं हायर लेवल पर पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई भी एजुकेटेड मीन्स 12th के बाद कोई भी एजुकेटेड नहीं है। उस टाइप से जो लोग हैं रिच भी हैं तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब फैमिली में एजुकेशन के नाम पर बहुत पुअर है, पीछे हैं। तो मेरा बचपन से यही सोचना था, मैं बचपन से थोड़ी अच्छी भी थी पढ़ने में, 4 फर्स्ट क्लास भी है मेरा और ऑनर्स के साथ है। तो जैसे हम लोग आईआईटीज़ और पीएमटी यही सब सोचते थे, तो मेरा आईआईटीज़ खैर उस वक्त मैंने दिया था, नहीं हुआ। फिर मेरा ईयू में एडमिशन में मैंने बीएससी किया मैथमेटिक्स से, फिर मेरा एमएससी केमिस्ट्री से था। इस दौरान हम लोगों ने मतलब ये वनडे एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, हमारा जो भी मतलब बैकग्राउंड था, तो वनडे एग्ज़ाम्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर आए, नेट की प्रिपरेशन किया, नेट क्लियर हो गया। फिर क्या था, वही आप देख रहे हैं इतना स्कैम है हर जगह हायर एजुकेशन में, कि अगर आप प्रोफेसर बनने की सोचते हैं, अगर कोई पुअर बैकग्राउंड से है, तो एक तो वैकेंसीज़ इतनी लेट में निकालते हैं, ऊपर से एग्ज़ाम्स क्लियर भी हो जाता है, तो फिर स्कैम वहाँ पर भी। एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ पर भी जो रिलेशन वाले हैं या जो भी जान पहचान है, रिकमेंडेशन से उनको कर लिया जा रहा है। इतनी अच्छी हैं आप मैथ्स में, आप इतनी अच्छी हैं। सर वनडे की तरफ नहीं बोला ना, बहुत थोड़े ऊंचे ख्यालात थे प्रोफेसर वाला, मतलब ये था कि नहीं वही बनना है। लेकिन बाद में जब असलियत सामने आई, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कोई एजुकेशन फील्ड से था नहीं, तो किसी ने मुझे ये गाइड नहीं किया उस वक्त कि ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 की तुम नहीं वनडे की पहले प्रिपरेशन करो, तो उससे तुम एटलीस्ट छोटी मोटी नौकरी में जब आ जाओगी तो उसके बाद तुम सोच सकती हो। आपका नाम क्या है? अर्फिया से। देखिए अर्फिया जी, अर्फिया का मतलब मीन्स जो दूसरों की मदद करे। कोमल दूसरों की मदद करना चाहती है ज़िंदगी में, और आपकी नाम का मतलब है दूसरों की मदद। सर मेरा भी यही, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए पहले आपको इटसेल्फ अपने पैरों पर खड़े। मैं तो व्हाट्सएप देख के लगता है कि कोमल और आरफिया एक साथ बैठते भी नहीं होंगे यूपी में। ये जो हालत हो गई है व्हाट्सएप की, तो ये आप लोगों को मैटर करता है? ये हिंदू मुस्लिम का मैटर? नो सर मुझे मैटर नहीं करता कि हिंदू मुस्लिम क्या है सर, ये तो हमारे थ्रू बनाया गया हुआ है सर। मुझे नहीं लगता ये मैटर करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक मेरे ख्याल से एक जो बेबी होता है वो हिंदू या मुस्लिम हो, अगर वो जिस फैमिली में रहता है उस लोग वही मानते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है। और जैसे जो ऑर्फिन बच्चे हैं उनको हम कैसे जज कर सकते हैं ये हिंदू है या मुस्लिम है, तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए ना, हम जज नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में इतनी मेहनत हो रही है कि हिंदू मैं नहीं करती कभी, जो लोग करते हैं आई थिंक मेरे ख्याल से वो मुसलमान ये पॉलिटिकल व्यू है केवल, एक आम पब्लिक जो आम नागरिक है वो बिल्कुल भी इस चीज में असर नहीं पड़ा है, उसमें नहीं असर पड़ता। और आज की जो यूथ जनरेशन है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई थिंकिंग है हम लोगों में अभी, तो मेरे जो ऐसा सोचता है मेरे ख्याल से वो एजुकेटेड होने के बाद भी इलिटरेट है, ऐसा ऐसे थिंकिंग होनी ही नहीं चाहिए। इसी का सर फ़ायदा उठा के जो हमारे पॉलिटिशियन है उसका यूज़ करते हैं, आपस में लड़ाते हैं मुझे, और इसी सब का फ़ायदा उठाते हैं कि वो हमारे एजुकेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप लोग लंच शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो लगा कि व्हाट्सएप वालों ने इतनी मेहनत कर दी है कि आप लोग साथ नहीं बैठे। नहीं सर ऐसी कोई नहीं। तो उनको बताना पड़ेगा कि आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकला, आप कुछ और अच्छा काम करें। हमारी कोचिंग अध्ययन अकेडमी 8 साल से मैं चला रहा हूँ। बेस्ट कोचिंग अवार्ड 10वीं बार मिल चुका हमें। और आप मुझे मेरे ईद मनाते हैं, ईद ही मनाते हैं उतने धमाकेदार तरीके से। अच्छा। और ईद की पार्टी भी होती है, होली की भी होती है, दिवाली में हम लोग रंगोली बनाते हैं, दीप सजाते हैं। हर बच्चा यहाँ पर एक मात्र धर्म रखता है, विद्यार्थी का और शिक्षक। ये यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अरबों रुपए खराब भीतर भी बात नहीं चलती, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ खाना बनता है, दिव्या शर्मा खाने आती है, मेरे हमारे भाई नहीं है। और ये हमारे भाई है, हमारे ये छोटे भाई वहाँ है रुस्तम खान, बड़े भाई इमरान सर, यही हमारे बस। रिजल्ट टाइम को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। 2 साल पहले फॉर्म आया है, 3 साल बाद वो मतलब कंप्लीट होगा और उसमें भी धांधलेबाजी, पेपर आउट। जब ये कुंभ जैसी चीज़ करोड़ों रुपया खर्च करके करोड़ों लोगों को मैनेज कर सकते हैं 1 महीने तक, तो लाखों लोगों को एक दिन के लिए मैनेज नहीं कर सकते। यार ये तो बहुत सॉलिड सवाल दे दिया। कोई ऐसी परीक्षा आप लोग की जानकारी में है जो बिना धांधली के या अफवाह के? नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं। बल्कि यूपी में प्रोसेस हो गया है, पहले आप फॉर्म भरिए, हाँ। एग्जाम क्वालिफाई करिए, पास करिए, फिर कोर्ट जाइए, फिर कोर्ट से उसको क्लियरेंस लीजिए कब ज्वाइनिंग होगी। एक स्टेप और जुड़ गया है नौकरी में, कोर्ट का। पूरे वर्ष में पूरा साल मिल जाता है, हम कभी कभी 2-3 महीने पे बदूल ले पाते हैं मुश्किल से, पैसे की वजह से एडजस्ट नहीं हो पाता सर, मैनेजमेंट नहीं हो पाता। पूरा साल मिल जाता है लेकिन दूध नहीं खा पाते। उसे मैं समझता हूँ कि सर एक कानून का अलग चैप्टर बनना चाहिए सिलेबस में, अच्छा से 6 से लेकर 12 तक कानून का अलग चैप्टर बनना चाहिए, संविधान का। जी सर, जो हमारे वर्तमान में जो कार्यरत हैं, जो भी जो हम करते हैं उसका क्या दंड होना चाहिए, क्या प्रावधान है, उसका अलग सिलेबस होना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने संविधान की किताब देखी है? हाथ उठा के बताइए। 3-4 बस, सही मतलब दिखाने के लिए मत करना कि वहाँ पर टीवी में आ जाएगा। और कितने लोगों ने संविधान की किताब नहीं देखी है? और अब हाथ नीचे कीजिए। और कितने लोग चाहते हैं कि संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए? सारे लोग चाहते हैं, हाँ। कुछ लोग जो संविधान की पढ़ाई की है उन्होंने देखी है नहीं। क्या कोई ऐसा भी है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कोई नहीं है। देखने वाले कुछ लोग हैं। आपको लगता है कि ये पता होना चाहिए? यस सर, यस सर। सर मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है संविधान के बारे में। क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं? क्या हम मतलब कुछ भी नहीं पता। देखिए यही अच्छी बात है कि जो आप नहीं जानते हैं उसको खड़ा होकर बोलना चाहिए कि आप नहीं जानते। आपने बहुत अच्छा किया कि पूरी क्लास में स्वीकार किया कि लेकिन आपको लगता है कि संविधान की, आपको लगता है संविधान की पढ़ाई चाहिए? मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है? मैं बीए कर रही हूँ पॉलिटिक्स से। अच्छा, तो संविधान पढ़ाई होती है इसलिए पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है। लेकिन पढ़ने से क्या फर्क है? वो कह रही है हमको पता होना चाहिए। ऐसा चेंज आता है संविधान पढ़ने से? यस सर, पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे जो अधिकार है अगर हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकें। आप चाहेंगे कि क्लास में संविधान क्लास चलना चाहिए? चाहिए, ज़रूरी है ना। स्कूल लेवल तक, इंटर लेवल तक कम से कम बेसिक तो होना चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमको ये तो पता चलेगा हाँ हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। आजकल बहुत सारे मतलब हमें पता, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार बेसिक क्या है। जी सर, ये अच्छी बात है कि आप सबके भीतर एक डिमांड बन रही है कि आप चाहते हैं कि संविधान की पढ़ाई